तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और 7 घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है मिस्टर चिप्स का, तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने। डिड मिस्टर चिप्स रीड द होल नावल? डिड क्या, डिड के मीनिंग होते क्या, मिस्टर चिप्स रीड पढ़ा द होल नावल, होल मुकम्मल, कहते हैं ना होल सेल डीलर, यानी होल सेल डीलर वो होता है जो मुकम्मल चीज बेचता है, छोटी छोटी करके नहीं बेचता। नावल, नावल क्या, मिस्टर चिप्स पूरा नावल पढ़ लिया करते थे? नो ही नेवर रीड, नहीं पढ़ते थे द होल नावल, मुकम्मल नावल। ही कुड हर्डली, वो मुश्किल से, ही कुड वो कर सकते थे, ही वो कुड करते थे, हर्डली मुश्किल से रीड पढ़ते थे ए सिंगल पेज, सिंगल एक पेज। एंड वेंट और जाते थे टू स्लीप सो बिफोर, पहले टर्निंग ओवर द पेज, टर्निंग वापस आने तक या सफा उल्टने तक, ओवर द पेज सफा उल्टने से पहले सो जाते। नहीं, मिस्टर चिप्स ने कभी पूरा नावल ना पढ़ा, वो बामुश्किल एक सफा पढ़ पाते और सफा उल्टने से पहले सो जाते थे। सवाल नंबर 13 है, डिड मिस्टर चिप्स इंजॉय हिज स्लीप? क्या मिस्टर चिप्स अपनी नींद से लुत्फंदोज होते थे? डिड क्या मिस्टर चिप्स इंजॉय करते थे हिज स्लीप, अपनी नींद से, हिज अपनी, ही हिज है मर्द के लिए लगता है हिज, क्या मिस्टर चिप्स अपनी नींद से लुत्फंदोज होते थे? यस ही इंजॉय हिज स्लीप, यस वो इंजॉय करते थे, लुत्फंदोज होते थे, हिज अपनी मर्द के लिए इस्तेमाल होता है हिज, स्लीप सोने से, एज जैसा कि, इट ये केम आता टू उन्हें, उन तक, हिम उन तक, स्विफ्टली नरमी से, एंड पीसफुली और आराम से। जी हाँ, मिस्टर चिप्स आराम और सुकून की नींद से लुत्फंदोज होते थे। व्हाट वाज द नेम ऑफ मिस्टर चिप्स डॉक्टर? मिस्टर चिप्स के डॉक्टर का क्या नाम था? द नेम ऑफ मिस्टर चिप्स डॉक्टर वाज मैरीवेल, डॉक्टर जो थे वो मिस्टर चिप्स के डॉक्टर थे। नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर सवाल है हमारे सामने। How often did डॉक्टर मैरीवेल विजिट मिस्टर चिप्स? डॉक्टर मैरीवेल मिस्टर चिप्स को कितनी बार देखने आते थे? How often कितनी बार मैरीवेल विजिट करते थे, आते थे मिस्टर चिप्स, डॉक्टर मैरीवेल इसको मिस्टर चिप्स को कितनी बार देखने आते थे? डॉक्टर मैरीवेल मिस्टर चिप्स को देखने आते थे एवरी फोर्टनाइट, यानी 14 दिनों बाद 15वें दिन देखने आते थे। व्हाट डिड डॉक्टर मैरीवेल से अबाउट मिस्टर चिप्स हेल्थ? डॉक्टर मैरीवेल ने मिस्टर चिप्स की सेहत के बारे में क्या कहा था या क्या कहते थे? व्हाट, क्या, डिड किया डॉक्टर, डॉक्टर ने मैरीवेल ने से कहते थे अबाउट के बारे में मिस्टर चिप्स हेल्थ सेहत, मिस्टर चिप्स की सेहत के बारे में डॉक्टर मैरीवेल क्या कहते थे? डॉक्टर मैरीवेल ऑफन सैड, डॉक्टर मैरीवेल अक्सर कहते थे दैट मिस्टर चिप्स को वाज 50 कहते हैं 15 दिन बाद एंड हेल्थियर देन द वाज देन ही वाज एंड दैट ही वुड नॉट गेट एनी फेटल डिजीज, वो ये कहते थे कि उनसे ज़्यादा सेहतमंद हैं मिस्टर चिप्स, उनसे ज़्यादा सेहतमंद है और ये नहीं कि उन्हें कोई मोहलिक बीमारी नहीं लगेगी, मतलब कि वो सेहतमंद नज़र आते थे और उन्हें कोई मोहलिक बीमारी नहीं लगेगी। 15 एंड यहाँ तक है कि हेल्दियर देन ही उनसे ज़्यादा, यानी उस डॉक्टर से ज़्यादा सेहतमंद वाज एंड दैट ही वुड नॉट गेट एनी फटल डिजीज कहते हैं कि आने वाले वक्त में कोई बीमारी लगना। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट टाइप ऑफ डेथ डिड मिस्टर मैरीवेल
प्रिडिक्ट फॉर मिस्टर चिप्स। डॉक्टर मेरी वेल मिस्टर चिप्स की किस किस्म की मौत की पेशगोई करते थे? व्हाट टाइप, किस किस्म की ऑफ डेथ, मौत की डेड करते थे मिस्टर मेरी वेल। मेरी वेल प्रिडिक्ट पेशगोई करना फॉर मिस्टर चिप्स, मिस्टर चिप्स की। डॉक्टर मेरी वेल मिस्टर चिप्स की किस किस्म की मौत की पेशगोई करते थे? डॉक्टर मेरी वेल प्रिडिक्ट, डॉक्टर मेरी वेल पेशगोई करते थे एज ए नेचुरल डेथ, कुदरती मौत की ऑफ मिस्टर चिप्स, मिस्टर चिप्स की। मिस्टर चिप्स की तबई मौत, मतलब वैसे जो अल्लाह ताला की तरफ से मौत आ जाती है कि ना कोई बीमारी होगी कुछ भी, बस मर जाएंगे। व्हाट डिड डॉक्टर मेरी वेल आस्क मिस्टर विकिट्स टू डू व्हेन मिस्टर चिप्स कॉट कोल्ड? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मिस्टर चिप्स को जब ठंड लगती थी तो डॉक्टर ने मेरी वेल, डॉक्टर मेरी वेल ने मिसेस विकेट से क्या कहा था, मिस्टर विकेट से। व्हाट डिड डॉक्टर मेरी वेल आस्क, व्हाट डिड क्या किया मेरी वेल, डॉक्टर मेरी वेल ने आस्क मिस्टर मिसेस विकेट्स, मिसेस विकेट से क्या कहा था। टू डू व्हेन के वो कब करें मिस्टर चिप्स, मिस्टर चिप्स कॉट कोल्ड, जब मिस्टर चिप्स को सर्दी लगती तो मिसेस विकेट से डॉक्टर ने क्या कहा। डॉक्टर मेरी वेल आस्क्ड, डॉक्टर मेरी मेल कहते थे विकेट्स मिसेस विकेट को टू लुक आफ्टर कि इनकी देखभाल करें मिस्टर चिप्स प्रॉपरली, मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह इनकी देखभाल करें। बिकॉज हिज चेस्ट क्योंकि उनका सीना हैड पुट ए स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट क्योंकि इनके सीने की बीमारी ने उनके दिल पर दबाव डाल रखा है, दिल इनका सीने की वजह से तंग हो गया। चेस्ट छाती से सीना से पुट ए स्ट्रेन, स्ट्रेन दबाव डाल रखा है ऑन हिज हार्ट उनके दिल पे, इनकी छाती की बीमारी ने उनका दिल पे बोझ डाल रखा है। नेक्स्ट है व्हेन डिड मिस्टर चिप्स, व्हेन डिड मिस्टर चिप्स ज्वाइन ब्रूकफील्ड स्कूल, मिस्टर चिप्स ने ब्रूकफील्ड स्कूल कब ज्वाइन किया या कब उसमें मुलाजमत अख्तियार की। मिस्टर चिप्स ज्वाइन ब्रूकफील्ड स्कूल इन 1870, मिस्टर चिप्स ने 1870 में ये ज्वाइन किया था स्कूल। और नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है हु वाज द हेडमास्टर, हेडमास्टर कौन था ऑफ द स्कूल, स्कूल का व्हेन जब मिस्टर चिप्स ज्वाइन इट इसे, मिस्टर चिप्स ने जब ब्रूकफील्ड स्कूल ज्वाइन किया या उसमें मुलाजमत अख्तियार की तो उस वक्त स्कूल का हेडमास्टर कौन था। मिस्टर वेदरबाई, मिस्टर वेदरबाई वाज द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, मिस्टर वेदरबाई उस स्कूल के हेडमास्टर थे। व्हेन मिस्टर चिप्स ज्वाइंड इट, जब मिस्टर चिप्स ने वहां मुलाजमत अख्तियार की। ऑन द डे ऑफ मिस्टर चिप्स, उस दिन क्या हुआ था मिस्टर चिप्स ने इंटरव्यू, जब इंटरव्यू दिया एट ब्रूकफील्ड, ब्रूकफील्ड स्कूल में। विच स्कूल वर प्लेइंग ए क्रिकेट मैच, जब दो स्कूल क्रिकेट के मैच खेल रहे थे, यानी दो स्कूल, एक स्कूल और दूसरे स्कूल वाले। इंटरव्यू के दिन कौन से जो दो स्कूल थे वो मैच खेल रहे थे। ऑन द डे ऑफ मिस्टर चिप्स इंटरव्यू, मिस्टर चिप्स का जिस दिन इंटरव्यू था एट ब्रूकफील्ड ए क्रिकेट मैच वाज, ब्रूकफील्ड का जो स्कूल है वो क्रिकेट का उसमें उसने मैच खेल रहा था। बीइंग प्लेड बिटवीन, उसमें ब्रूकफील्ड में जो है क्रिकेट का मैच था बिटवीन बारन हर स्कूल में जो है वो खेला जा रहा था मैच। मिस्टर चिप्स जब इंटरव्यू देने आए थे तो उस दिन ब्रूकफील्ड और बारन हर स्कूल के दरमियान मैच खेला जा रहा था। इसी वीडियो के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर करेंगे।